आज तक आपको रखी आगे। नमस्कार, मैं पूजा, इंडिया आज तक टीवी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। देखते रहिए दिन भर की छोटी बड़ी खबरों के साथ। हमारे यहाँ पर मैडम के प्रिंसिपल के रूप में हमने यहाँ पर देखा, सबसे पहले तो मैडम ने जो मोहना कॉलेज के लिए कंट्रीब्यूशन रहा है, जो मैडम मोहना कॉलेज के लिए सहयोग दिया, जैसा मैडम ने बताया कि डेस्क बेंच या किसी भी तरह की जो शुरुआत है, मैडम के कारण से ही मोहना कॉलेज की शुरुआत हुई। मैं मैडम का धन्यवाद दूंगा कि मैडम ने मोहना कॉलेज में जितना अपना एफर्ट्स डाल सकते थे वो एफर्ट्स डाला, और यहाँ भी रहते हुए और बाद में मुझे चार्ज मिलने के बाद भी मैडम ने हर तरह से, जब भी मैंने मैडम से कहा कि मैडम मुझे ये परेशानी आ रही है, इसी कड़ी में हमारे महाविद्यालय की एनएसएस की छात्रा मिस सुनीता रावत मैडम के लिए अपने विचार व्यक्त करना चाहती हैं। मैं आमंत्रित करता हूं मिस सुनीता रावत। धन्यवाद सर। आदरणीय प्राचार्य महोदय, यहाँ समस्त अध्यापक गण एवं अतिथिगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं, हमारी प्राचार्य महोदय जी का विदाई समारोह। हम सब ये भी जानते हैं कि विदाई समारोह का दुख बहुत दुख होता है, चाहे वो विदाई एक बेटी अपनी एक पिता अपनी बेटी का कर रहा हो, या किसी कार्यालय में किसी कर्मचारी का, या फिर हमारे महाविद्यालय से हमारी मैम का ही क्यों ना हो, वो पल बहुत ही दुखद। लेकिन हम खुशी खुशी से अपनी मैम को बधाई दें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैम ने यहाँ पर लड़कियों के लिए क्या किया है। एनएसएस में जहाँ पर लड़कियों को अलाउड नहीं था कि वो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट पर जाकर अपने आप को प्रेजेंट करें, तो मैम ने गर्ल्स को अलाउड किया कि वो कैंप में जाए, और उन लड़कियों ने वहां जाकर नेहरू कॉलेज को प्रेजेंट किया। इसके लिए मैं मैम को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और मैं कुछ पंक्ति बोलना चाहूंगी। धूल से हम सभी आसमां बन गए, धूल से हम सभी आसमां बन गए, चांद का नूर ले तारे बन गए। कैसे विदा करें इस महान हस्ती को, कैसे विदा करें इस महान हस्ती को जिनके मार्गदर्शन से हम क्या से क्या बन गए। समय की बहुत कमी है, बस मैं अभी यही कहना चाहूंगी, माहौल थोड़ा उदासी का है, समय आपकी विदाई का है। माहौल थोड़ा उदासी का है, समय आपकी विदाई का है। जहाँ भी आप जाओ हजार खुशियाँ मिले आपको, जिससे हमारी निकली यही दुआ है। हमको भूल ना जाना, हमको भूल ना जाना, हमको अपने दिल में रखना। माहौल थोड़ी उदासी का है क्योंकि विदाई का समारोह आज हमारी मैम का। सो थैंक यू। पार्टिसिपेट करती है और मैं यहाँ मौजूद अपने ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि समय बहुत कम है और मेरे पास छात्र छात्राओं की लाइन लगी हुई है कि हम भी बोलना चाहते हैं, हम भी बोलना चाहते हैं। तो जो भी छात्र हैं, दर्शन सबको देते रहना जी। धन्यवाद। आप बधाई हुआ, अभी समारोह हुआ तो क्या लग रहा है आपको? मैं अभिभूत हूँ, ओवरवेल्म्ड जिसे कहते हैं। मुझे इतना प्यार मिलेगा इसकी मुझे अपेक्षा नहीं थी। तो आगे क्या लग रहा है, आगे क्या करेंगे आप? अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, अपने परिवार को समय दूंगी, अपने बच्चों को समय दूंगी, बेटियों को समय दूंगी। अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि मैं क्या करूंगी, लेकिन शिक्षक हूँ, शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता। शिक्षक तो मैं रहूंगी। शिक्षा के समय में बच्चों को प्यार और ये सब कुछ क्या लग रहा है आपको? देखिए, जब भी विदाई होती है तो एक दुख की भावना होती है, लेकिन मैं एक संतुष्टि की भावना के साथ सेवानिवृत्त हूँ। मेरे मन में कोई मलाल नहीं है, कोई ऐसी भावना नहीं है कि मैंने किसी के साथ गलत किया। मैं बहुत संतुष्टि के साथ परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए रिटायर हूँ। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगी मैडम? मैम, इस महाविद्यालय का एक प्रभावशाली व्यक्तित्व है,
मल्टी डायमेंशनल बहुमुखी प्रतिभा की स्वामी है और इस महाविद्यालय के चर्रे चर्रे में, इसकी हवाओं में उनका नाम गूंजेगा, उनकी खुशबू महकेगी और हम सब उनको याद करेंगे। उन्होंने इस महाविद्यालय के लिए, विद्यार्थियों के लिए, हम सब के लिए प्यार के साथ हमारे कैरियर को आगे बढ़ाया, हमें काम करना सिखाया और हमें शिक्षण के प्रति समर्पण करना सिखाया।